गाइस, वेलकम टू माय चैनल सी एरोय ट्रैवल व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं बनारकट्टा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हम आज आगे करेंगे सफारी एंड वहाँ पे बोटिंग और जू भी है और अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, वो हम जब वहीं जाके देखेंगे कि हम और क्या क्या वहाँ पे कर सकते हैं। हमारे जो घर से डिस्टेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक का वो है 25 किलोमीटर्स एंड हम निकले थे 130 पे एंड इन वन आवर हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। एंड ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अराउंड 105 किलोमीटर में लोकेटेड है एंड वहाँ जाके हम होप कर रहे हैं कि आज हमें कुछ टाइगर या फिर लायन कुछ दिख जाए वहाँ पे। देखते हैं हम आज कितने लकी हैं। Hey guys, so अब हम पहुंच चुके हैं जू में। जू में अभी हमने एंट्री टिकट लिया ऑनलाइन, आप एंट्री टिकट ले सकते हैं एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने में मिलेंगे। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, यहाँ पे बियर्स हैं, यहाँ पे फॉक्स है, यहाँ पे ऑस्ट्रिच हैं एंड यहाँ पे और भी अदर एनिमल्स हैं, यू कैन टेक अ विजिट। एंड गाइज, अगर किसी को यहाँ पे एनिमल अडॉप्ट करते हैं एंड उसकी वेलबींग के लिए आप डोनेशंस भी दे सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन जाके, ऑनलाइन पोर्टल होता है एंड यहाँ पे ये लोग टैग लगा देते हैं जो भी उनके लिए फाइनेंसिस करता है या फिर उनको डोनेशन देता है, उनके यहाँ पे टैग लगा देते हैं जो रूटीन बेस पर इनको टेक केयर के लिए डोनेशन देता है। आज हमने प्लान तो ये भी किया था कि हम सफारी पे जाएंगे लेकिन हम सफारी पे नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रश है, बहुत ज़्यादा ही रश आ गया है यहाँ पे एंड उसकी जो सफारी की टिकट होती है वो पूरी फुल हो गई थी, हमें टिकट नहीं मिली। देन हम जू में आ गए, जू की टिकट ईजिली अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। लेकिन सफारी की, अगर आपको सफारी जाना है तो उसको 2 दिन पहले एटलीस्ट बुक करके रखें, तभी आपका नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 11 किलोमीटर की सफारी है, AC बस में आप सफारी ले सकते हैं या फिर जीप में भी ले सकते हैं, नॉन AC जीप्स में। अभी हमने रॉयल बंगाल टाइगर देखा है एंड यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रिच भी है एंड यहाँ पे हमने हाइनाज बोल हाइनाज एंड लोमड़ी देखी है एंड वहाँ पे सामने हो रही है हमारी बोटिंग। वहाँ पे जाके हमने डिसाइड किया कि हम बोटिंग नहीं करेंगे बिकॉज काफ़ी छोटे पॉन्ड में बोटिंग हो रही थी और जो लाइन थी वो काफ़ी लंबी थी और यहाँ एंजॉय करते करते शाम की 5 बज चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं अपने वापस घर की तरफ। अब हम ड्राइव करके वापस घर जा रहे हैं एंड इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो ये नेशनल पार्क कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो डैट आपको जितनी भी मेरी नई वीडियोज आएंगी सबकी नोटिफिकेशन आ जाए टाइम टू टाइम।